चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें पीएम ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि परिवारवादियों यूपी का भविष्य इनके द्वारा बदला जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें पीएम ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज काशी की धरती पर आकर काशी और यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं, वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। पीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि परिवारवादियों यूपी का भविष्य युवा बदल रहे हैं। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। पहले की सरकारों ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, यहां के नौजवानों से उनका भविष्य छीना, लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप, कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? दरअसल पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा ये योजनाएं पूर्वी यूपी के विकास की राह बनेंगी, इन योजनाओं से पूर्वांचल में नौकरी के ढेर सारे अवसर बनेंगे। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है, अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का पान कोई नहीं भूलेगा। साथियों, गौर परिवारवादियों की यही असलियत होती है। परिवारवादी युवा हमेशा परिवारवादी युवा शक्ति से डरते हैं, युवा टैलेंट से डरते हैं। उनको लगता है कि सामान्य युवा को अवसर मिला तो वो हर जगह चुनौती देगा। इनको वही लोग पसंद आते हैं जो उनकी दिन रात जय जयकार करते रहे। आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा पहले बनारस से जाम से जूझता था, जितना समय दिल्ली जाने में नहीं लगता था उससे ज्यादा समय फ्लाइट पकड़ने में लग जाता था। कल रात पैदल चलकर मैंने फुलवरिया फ्लाईओवर देखा, आज बनारस की रफ्तार कई गुना बढ़ने लगी है। बनास डेयरी में पशुपालक परिवारों से बात करने का मौका मिला। 2 साल पहले दिए मेरे सुझावों के बाद गिर गायों की संख्या 350 तक पहुँच गयी है, जिससे दूध में वृद्धि हो रही है। आज दुग्ध पालक हमारी बहनें लखपति दीदी बन रही हैं। मैं नहीं जानता था
कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैतरा ना चली, बनारस नहीं पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बता दें कि राहुल गांधी ने 20 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अमेठी में कहा था, मैं वाराणसी गया और मैंने देखा कि रात को बाजा बज रहा है, वहां पर शराब पिए सड़क पर लेटे हुए लोग बाजा बजा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का भविष्य रात को शराब पीकर नाच रहा है। दूसरी तरफ राम मंदिर है जिसमें पीएम मोदी दिखेंगे, अंबानी दिखेंगे, आपको हिंदुस्तान के सभी अरबपति दिखेंगे, लेकिन एक भी पिछड़ा या दलित व्यक्ति नहीं दिखेगा। इससे पहले वाराणसी के दूसरे दिन पीएम ने अमूल डेयरी प्लांट सहित 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। उन्होंने प्लांट का विजिट किया और जानकारी ली। पीएम ने सुबह बीएचयू में संसद ज्ञान प्रतियोगिता के टॉपर्स को सर्टिफिकेट बांटे, उनके साथ तस्वीरें ली और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मोदी की गारंटी है हर लाभार्थी को 100% लाभ, मोदी लाभार्थियों के सेचुरेशन की गारंटी दे रहा है, तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। भाइयों और बहनों, मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है। इसके बाद पीएम सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन किए। वहां पीएम ने जनसभा को संबोधित किया और विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। पीएम मोदी गुरुवार रात 10 बजे विशेष विमान से वाराणसी पहुंचे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वाराणसी में पीएम मोदी ने 25 किलोमीटर का रोड शो किया। रात करीब 11 बजे बरेका गेस्ट हाउस पहुंचे। प्रधानमंत्री ने रात्रि विश्राम गेस्ट हाउस में ही किया। पीएम मोदी ने कहा, परिवार और भ्रष्टाचार में यूपी के विकास को रोका, आज यूपी बदल रहा है। यूपी के नौजवान जब अपना भविष्य बना रहे हैं तो ये परिवारवादी लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के युवराज काशी की धरती पर आकर काशी और यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं वो मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे परिवारवादियों, युवा यूपी का भविष्य बदल रहे हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।